नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जर पर 12 और 18 फीसदी के बजाय लगेगा सिर्फ 5 फीसदी टैक्स। स्थानीय अधिकारियों की ओर से इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल भी रहेगा जीएसटी के दायरे से बाहर। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिले आरक्षण। मुंबई में आयोजित पहले लोकतंत्र अवार्ड समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। विधायिकाओं की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने को बताया लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। लोकसभा में महिला सांसद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी जताया एतराज। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे सभी 1050 मुसाफिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफल अभियान के लिए की रेस्क्यू टीमों की तारीफ। वायुसेना ने ठाणे के अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को भी बाहर निकालने में की मदद। भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत। अमेरिका से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप। वायुसेना के MI-35 के हेलीकॉप्टर्स की लेंगे जगह। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में थोड़ी देर में शुरू होगा कारगिल विजय दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं शिरकत। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध पर 8 मिनट की फिल्म के प्रसारण के अलावा सेना के ब्रांड की भी होगी प्रस्तुति। हार्दिक स्वागत। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, अ वेरी वार्म वेलकम। रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, हार्दिक स्वागत। तो कारगिल दिवस पर खास कार्यक्रम हो रहा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का। सेनाध्यक्ष, यहां उपस्थित भूतपूर्व सेनाध्यक्ष एवं आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की इस 20वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हर भारतवासी के उज्जवल भविष्य का सपना अपनी आंखों में संजोए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हम सबको सिखाते हुए विश्व की रणभूमि पर भारत को सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध कर्म योद्धा श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। देवी और सज्जनों, आइए थोड़ा माजी के पन्नों को पलटते हैं, थोड़ा इतिहास की तरफ रुख करते हैं। 26 जुलाई 1999 एक ऐसा यादगार दिन जो देश के गौरवशाली इतिहास में ऑपरेशन विजय की एक अजर अमर गीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। महाविजय की वो पावन पुनीत घड़ियां जब हर भारतीय का राष्ट्र प्रेम अपने उफान पर था, मानो कई वर्षों के प्रतिफल संघर्ष का इतिहास उन चंद लम्हों में सिमट आया। देश का हर कोना, हर घरी, हर गली, हर घर मां भारती के जयकार से गुंजायमान था। टंकार सुन, हुंकार सुन, इस जीत का जयकार सुन, संग्राम का परिणाम देख, प्रतिफल प्रचंड पैगाम देख। 1947-48 में पड़ोसी मुल्क द्वारा हम पे थोपे गए पहले युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट तक भारतीय इतिहास भारतीय सैनिकों की अद्भुत वीरता की गाथाओं से
लबालब है। लेकिन इन सब के बीच बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो अपने आप में बेमिसाल है। मशकों से लेकर बटालिक तक 15,000 फीट से भी ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारतीय रणबांकुरों ने जो इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। 3 घंटे के इस कार्यक्रम में मशहूर गायक मोहित चौहान भी देशभक्ति गीत पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और मोहित चौहान के देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से युवाओं में जोश भरने की कोशिश होगी और इसके अलावा नृत्य आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध पर बनी 8 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी और सेना का बैंड भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देगा। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस कार्यक्रम के अहम पल हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं कुछ अहम खबरों का। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में आज हुई जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जरों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव से जुड़े भी कुछ फैसले किए गए। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशों में जुटी है। इस दिशा में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की ओर से जीएसटी कम किए जाने की मांग मान ली है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी शुल्क दर घटा दी है। इसे 18% से घटाकर 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर भी 18 के बजाय 5% ही टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में ये फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली कि स्थानीय प्रशासन द्वारा किराए पर ली जाने वाली 12 सीटों से ज्यादा की क्षमता की इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सभी नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर भी फैसले लिए गए। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इसी महीने की 5 तारीख को संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद जीएसटी परिषद की ये पहली बैठक थी। इससे पहले जीएसटी परिषद की बैठक 21 जून को हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने को लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा बताया है। मुंबई में आयोजित पहले डेमोक्रेसी अवार्ड समारोह में उपराष्ट्रपति ने संसद और विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से संसद और विधायिकाओं में आचरण ठीक करने और उन्हें आत्मावलोकन करने की भी सलाह दी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मुंबई में शनिवार को आयोजित किए गए पहले डेमोक्रेटिक अवार्ड समारोह के दौरान इसकी वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को कितनी अहमियत दी जाती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने देश को मदर इंडिया कहते हैं, न कि फादर इंडिया। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में स्थानीय, ये तो इकाइयों में तो हो गया, विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना बहुत जरूरी है। कितना देना, कितना परसेंटेज वगैरह, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो तो उनके विवेचन है। मगर शुरुआत करो, मेक ए बिगिनिंग सो दैट द डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगफुल। सेकेंडली, आफ्टर गिविंग रिजर्वेशन, आफ्टर कंडक्टिंग इलेक्शंस, यू मस्ट सी टू इट दैट दे आर गिवन फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, देन ओनली डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगफुल। लोकसभा में पीठासीन महिला सांसद के बारे में हाल ही में एक सदस्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी उपराष्ट्रपति ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अनादर करना भारत की संस्कृति में नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह का व्यवहार हमारे संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा।
Such things should be avoided. Of course, rightly, there was an outrage over the comments of that member. It is not our civilization to disrespect women. This kind of behavior and comments in parliament, they get wider publicity and it will have effect on the third tier of administration, the local bodies. Local bodies, people, they look, the people in panchayat look to parliament. They try to evaluate it. So we should be extra careful. संसद में बार बार होने वाले गतिरोध पर चिंता जताते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद और विधानसभाओं के कामकाज को रोकना लोकतंत्र को नष्ट करने और लोगों को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में राज्यसभा के अंदर कुछ वर्गों का व्यवहार काफी व्यथित करने वाला रहा है। सभापति ने कहा कि कुछ सदस्यों ने कई बार नियमों की अवहेलना की है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की विशेष जिम्मेदारी होती है ताकि उच्च सदन के कामकाज की मिसाल दी जा सके। I want to make it very clear that the both ruling party and opposition parties have shared responsibility of ensuring effective functioning of our legislature by taking on broad concerns of each other. Stalling the parliament or the legislature or even the local body means supporting democracy and betraying the people. उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यों से 29 विषयों को स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करने पर हुई प्रगति की समीक्षा करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी देरी संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन जैसी है। उन्होंने राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय चुनावों को हर 5 साल के लिए इसे अनिवार्य बनाने की वकालत भी की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का भी आह्वान किया। समारोह का आयोजन महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने विजेताओं को लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया। मुंबई से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। विधेयकों को संसदीय समितियों के पास नहीं भेजने के मामले पर संसद के चालू सत्र में राज्यसभा में कई मर्तबा गतिरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार विधेयकों की समीक्षा के लिए किसी समिति के पास भेजे बिना ही एक के बाद एक बिल पारित कराती जा रही है। इस मुद्दे पर 17 विपक्षी दलों की तरफ से राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। लेकिन असल में राज्यसभा में बीते 2 साल के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि संसदीय समितियों के पास करीब 80% ऐसे बिल भेजे गए जिन्हें सरकार की तरफ से पहले सीधे उच्च सदन में लाया गया। राज्यसभा में बीते 2 साल में पेश किए गए विधेयकों में 80% विस्तृत जांच पड़ताल के लिए अस्थायी समितियों के पास भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल में 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र संपन्न होने तक 10 विधेयक ऐसे थे जिन्हें पहले राज्यसभा में पेश किया गया और इनमें से 8 विधेयकों को छानबीन के लिए विभाग संबंधी अस्थायी समितियों के पास भेजा गया। इनके अलावा मोटर वाहन संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेजा। इस बिल को अस्थायी समिति की जाँच के बाद पहले लोकसभा में पेश किया गया था और वहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में लाया गया था। एंड बैंक सपोर्ट वी आर गेटिंग ओनली 47,000 करोड़। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक को कुछ आपत्तियों के चलते समितियों को नहीं भेजा गया। संसद के चालू सत्र में राज्यसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2019 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण विधेयक 2019 को पहले राज्यसभा में पेश किया गया और इन्हें मंजूरी भी मिल गई। इन विधेयकों को विभाग संबंधी अस्थायी समितियों के पास इसलिए नहीं भेजा जा सका क्योंकि इन समितियों का गठन किया जाना अभी बाकी है, जबकि इन विधेयकों की प्रकृति को देखते हुए इन्हें जल्द से जल्द मंजूरी दिया जाना जरूरी था। राज्यसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संशोधन विधेयक को पेश किया जा चुका है और इस पर विचार किया जाना अभी बाकी है। राज्यसभा में इसी हफ्ते लोकसभा से पारित होकर आए RTI संशोधन विधेयक पर इसी हफ्ते चर्चा हुई और इसे प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए मत विभाजन कराया गया था, लेकिन वोटिंग से विपक्ष को सफलता नहीं। अमेंडमेंट फॉर रेफरेंस ऑफ द बिल टू सेलेक्ट कमिटीज नेगेटिव। प्रक्रिया के मुताबिक किसी विधेयक को संसद के जिस सदन में पहले पेश किया जाता है वहां से उस विधेयक को विचार के लिए
संसद की विभाग संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है। अगर कोई बिल लोकसभा में पेश और पारित होने के बाद राज्यसभा में लाया जाए तो उच्च सदन चाहे तो उस विधेयक को जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेज सकता है, और अगर विधेयक पहले राज्यसभा में पेश हुआ हो तो उच्च सदन बिल को जांच के लिए अस्थायी समिति के पास भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शुभकामना करता हूँ। वहीं पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर विचार करने और इस क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के मकसद से राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूसा कैंपस में आयोजित इस सम्मेलन का आज दूसरा दिन था, जिसके मुख्य अतिथि रहे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी। समारोह में प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देसी गाय से मिलने वाले सह उत्पादों जैसे गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल से तैयार उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्यमियों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। गोबर से हमें गैस बनाना और इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद बनाना और ये अमृत पानी योजना को साकार करना और गोमूत्र से बाकी सारे जो नीम अर्क और तुलसी ये सारे सात प्रकार के पत्ते को मिला करके कीटनाशक बनाना, इसके द्वारा हम ग्रामोद्योग बना सकते हैं और केमिकल्स को पूरा बहिष्कार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले सकते हैं, किसानों की कस्टम प्रोडक्शन घट सकता है और इसका क्वालिटी भी प्रोडक्ट्स का अच्छा होगा। सीआरपीएफ ने आज अपना 81वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर दिल्ली में हुए मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की वीरता और साहस पर गर्व है। सीआरपीएफ का गठन 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुआ था। सीआरपीएफ अधिनियम के 28 दिसंबर 1949 में लागू होने पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। ये बल 208 कार्यकारी बटालियनों, 6 महिला बटालियनों, 15 आरएएफ बटालियनों, 10 कोबरा बटालियन समेत कुल 246 बटालियनों के साथ एक बड़ा संगठन बन चुका है। वैसे पुलिस के जवानों को, सैनिकों को जिन्होंने देश के खातिर अपनी शहादत दी है, अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है, आज मैं सिर झुकाकर उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं, नमन भी करता हूं। बंधुओं, केवल 2 बटालियनों से शुरू होकर वर्तमान में यह बल 246 बटालियन के रूप में देश की सेवा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 81वें स्थापना दिवस पर बल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न इलाकों में सेवाएं दे रहे देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की प्रतिबद्धता और समर्पण असाधारण है। जम्मू कश्मीर आतंकियों का सफाया करने का यहां सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में आज हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मुन्ना लाहौरी भी है। दूसरे आतंकी का नाम मीर जिनत उल इस्लाम बताया जा रहा है। मारा गया आतंकी मुन्ना लाहौरी पाकिस्तान का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में हुए एक कार ब्लास्ट में इसके शामिल होने की जानकारी थी। इस हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा मुन्ना लाहौरी ने घाटी में कई लोगों की हत्या भी की थी। अधिकारियों के मुताबिक मुन्ना लाहौरी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के लिए युवाओं को उकसाता भी था। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। दक्षिण कश्मीर जिले के बोन बाजार इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया और दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हुई। ड्यूरिंग सर्च द टेररिस्ट दे वर स्विचिंग हाउसेस एंड एट लास्ट वर कॉर्नर्ड in a cow shed. When challenged, the terrorist opened fire and tried to break the cordon. Own parties fired and neutralized the terrorist at close range. The 2 terrorists neutralized are from JEM. The first is a local, Zenith from Shopian town. The second
is Munna Lahori. He is a FT and the mastermind behind the Ariel ID attack. दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए. इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल थी. बस्तर जिले में नगरनार पुलिस थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले तिरिया गांव के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई. शाम 4 बजे के करीब छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के जवान और जिला रिजर्व गार्ड के जवान की संयुक्त टीम इस क्षेत्र में गश्त अभियान पर थी. तभी जंगलों में छिपे नक्सलियों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 3 महिला नक्सली समेत 7 नक्सली मारे गए. भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर और वांगनी के बीच ट्रैक पर पानी भरने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. एनडीआरएफ की टीम और तीनों सेनाओं के मदद से सभी मुसाफिरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए गए 1,050 मुसाफिरों में 9 गर्भवती महिलाएँ भी शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर ट्वीट कर एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और रेलवे और राज्य प्रशासन की तारीफ की है. वायुसेना ने ठाणे के अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने में मदद की. ये लोग कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से फंसे हुए थे. और वही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है. लगातार बरसात होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है. भारी बारिश से प्रदेश की बड़ी नदियों और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. भारी बारिश और बाढ़ ने भारत समेत चार देशों में जबरदस्त प्रभाव अपना छोड़ा है. संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ की स्थिति को लेकर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के बारे में कहा है कि इन चारों देशों में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ की वजह से तकरीबन 600 लोगों की मौत हो गई है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बाढ़ की वजह से इन चारों देशों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी पर असर पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि बाढ़ की वजह से 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित भी हुए हैं. भारत में असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है. त्रिपुरा में स्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान का आज काम पूरा हो गया. जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 67% मतदान हुआ है. सत्तारूढ़ बीजेपी पहले ही 85% सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है. आज ग्राम पंचायतों की 833, पंचायत समितियों के 82 और जिला परिषद की 79 सीटों के लिए मतदान हुआ. राज्य चुनाव आयोग के सचिव प्रसेनजीत भट्टाचार्य के मुताबिक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की कुल 6,646 सीटों में से बीजेपी ने 5,652 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं. कुल मिलाकर 8 जिलों के तहत आने वाले 31 ब्लॉकों के 1,848 मतदान केंद्रों पर 2,327 उम्मीदवार मैदान में हैं. वोटिंग को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. मतगणना 31 जुलाई को होगी. अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित टेक्सास इंडिया फोरम 22 सितंबर को एनआरजी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में सामुदायिक आयोजन करेगा. इस आयोजन में 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है. इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. इस आयोजन की टैगलाइन है साझा स्वप्न, उज्ज्वल भविष्य.
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ह्यूस्टन की ये पहली यात्रा होगी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बी साई प्रणीत की हार के साथ भारतीय चुनौती अब खत्म हो गई है। जापान ओपन के पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा। भारत के बी साई प्रणीत को वर्ल्ड नंबर वन केंटो मोमोटा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मोमोटा ने प्रणीत को सीधे सेटों में 21-18, 21-12 से पराजित करते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये मुकाबला 45 मिनट तक चला। इससे पहले स्टार शटलर पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।